हेलो एंड वेलकम सो आज हम अपना लेक्चर थर्ड जो है इन और सराउंडिंग का वो डिस्कस करें करेंगे आज हम सबसे पहले तो रिकेपचुलेसन करेंगे उसके बाद इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या एप्लीकेशन से एवेपोरेशन की किन किन फैक्टर्स पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है इसके अलावा हम मेल्टिंग फ्रीजिंग बॉइलिंग सबलिमेशन ये सब टर्म्स फिर से डिस्कस करेंगे एक बार सो मैटर इन सराउंडिंग जैसे हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है एनी थिंग विच हैव समकुपाई सम स्पेस दैट इज कॉल्ड द मैटर सो एनीथिंग अराउंड अस इज द मैटर इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग मैटर को क्या बोलते हैं हम पदार्थ तो उनके अकॉर्डिंग ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द फाइव बेसिक एलिमेंट्स एंड दीज बेसिक एलिमेंट्स आर नोन एज द पंच तत्व ये पांच तत्व कौन से थे स्काई एयर फायर वाटर एंड अर्थ ग्रीक फिलोसोफर भी इसी फिलोसफी जो इंडियन फिलोसोफर ने दी थी उससे एग्री करते थे बट इन मॉडर्न केमिस्ट्री हम मैटर कंसिडर करते हैं सभी चीजों को जिसका सब कुछ मास है और कुछ स्पेस ऑक वो करते हैं सो व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर फिजिकल नेचर में क्या था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर दैट मैटर इज मेड अप ऑफ द स्मॉल अपनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स जो है ये कैसे होते हैं स्मॉल होते है, टीनी होते हैं हैं टीनी कहने का मतलब है है मैटर जो नहीं होता जैसे वुडन ब्लॉक है या कुछ भी हो हर एक चीज इस यूनिवर्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स स्किन की सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होती है जो दो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं तो जब भी उनकी कितनी भी चाहे क्लोज पैकिंग हो उनके बीच में खाली स्पेस बसती है उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर इंटरमोलिकुलर स्पेस नेक्स्ट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्टर दर अच्छा दरअसल स ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब है ये पार्टिकल्स एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या है बाउंड है और वो किसी न किसी फोर्स से बाउंड है और, और वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इसीलिए हैं क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ये फोर्सेज अट्रैक्टिव होती है नेचर में हमने पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन सोलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस सो देर आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हालांकि दो स्टेट्स और हैं उनको बाद में डिस्कस करेंगे सोलिड की सोलिड स्टेट में क्या है डेफिनेट डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड में क्या है ओनली डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट सेप इन केस ऑफ गैस नो फिक्स सेप नो वॉल्यूम यानी कि गैस में क्या है जिस भी वैसल में आप उसको डालोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी उसकी शेप आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या जाएगा? आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा सोलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे होती है स्ट्रॉन्ग लिक्विड में सोलिड से वीक होती है और गैसेस में नो इंटरपार्टिकल फोर्सेस और वीकेस्ट हैं सोलिड में पार्टिकल के बीच के पास पास तो केस में के 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 स्पेस काफी है और गैसेस केस के में तो स्पेस बहुत ही ज्यादा है सोलिड गैसे होती है हैव एबिलिटी टू में शेप उनकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है सॉलिड में नो no कंप्रेसिबिलिटी लेकिन लिक्विड में क्या होती है लिक्विड भी हालांकि थोड़े से कंप्रेसिबल होते इंटर पार्टिकल जो आपकी सोलिड में फोर्सेस होती हैं वो भी कैसे होती हैं वीक होती हैं लिक्विड सॉरी इंटरपार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है लिक्विड लिक्विड में सोलिड से और जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं सोलिड से गैसेस में तो मैक्सिमम पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होती है और फोर्स जो होती है वो वीक होती है सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है लिक्विड की की डेंसिटी डेंसिटी कम कम और गैसेस तो बहुत ही ज्यादा होती है सॉलिड में कोई फिलुडिटी नहीं होती फ्लूडिटी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लो लिक्विड में फिलुडिटी होती है और गैसेस तो हाईली हाई है बहुत ही ज्यादा होती है मैक्सिमम होती है ठीक है डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर मैटर तो सॉलिड के केस के में डिफ्यूजन कम होता है जैसे मैं पैन के साथ लेकर आऊं तो जो या मैं ब्लैक बोर्ड पर चौक के साथ लिखता हूं तो चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड में डिफ्यूज डिफ्यूज होते हैं उनकी डिफ्यूजिबिलिटी कम होती है लिक्विड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है और मैक्सिमम डिफ्यूजन किस में होता है आपका गैसेस में होता है नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है यस मैटर स्टेट चेंज कर सकता है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है दो इफेक्ट की वजह से पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में चला जाए तो सोलिड से लिक्विड में जाएगा प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम मेल्टिंग कंसिडर करेंगे और अगर वो आपका सोलिड uh, से लिक्विड में जा रहा है तो कैसे जाएगा वो हीट एब्जॉर्ब करके यानी कि जब भी हम सोलिड को हीट करेंगे जैसे आइस है उसको हीट करेंगे या रूम टेम्परेचर पर रख देंगे रेफ्रिजरेटर से निकालकर तो कौन से स्टेट में चला जाएगा आपका लिक्विड स्टेट में तो प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग एंड ए फ्यूजन कोई भी सोलिड लिक्विड में कब जाता है उसके मेल्टिंग 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 पॉइंट 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 पर क्या था इज दैट एट चेंजिंग लिक्विड अगर कोई लिक्विड किस में जा रहा है सोलिड में तो उसको क्या बोलेंगे कूलिंग सॉरी इसको कूल cool करने से जाएगा उसको क्या बोलेंगे फ्रीजिंग या सोलिडीफिकेशन अगर कोई लिक्विड किस में जा रहा है गैसे स्टेट में तो उसको क्या बोलेंगे बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन से कब होगा ये जब लिक्विड को क्या करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट पर हीट कर देंगे हम गैसे स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो गैसिस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा गैस पर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि पार्टिकल पास पास आ जाए और साथ ही साथ में उसकी कूलिंग भी करनी पड़ेगी प्रोसेसर का नाम है कंडिफ है सोलिड से गैस में जा रहा है सोलिड से गैस में जाने के लिए हीट करनी पड़ेगी इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन जैसे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे लगा दें तो सोलि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है सोलि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है अगर उस सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम हीट करेंगे तो डायरेक्टली कौन सी स्टेट में चले जाएगी वो गैसियस स्टेट में विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट है तो दैट प्रोसेस इज नोन नॉन सब्लिमेशन से एंड सिक्स है अगर किसी गैसियस स्टेट पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगा दें उसको कूल कर दें तो वो किस में चली जा जाएगी आपकी सोलिड में जैसे भी बताया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर लगा दें और उसका टेम्परेचर बहुत ही कम कर दें उसको कूल cool कर दें तो किसमें चले जाएगी डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे फिर हमने पढ़ा था लेटेंट हीट लेटेंट लेटेंट वर्ड का मतलब था हिडन तो लेटेंट हीट का मतलब होता हिडन हीट तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पड़ी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पड़ी थी ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन uh, क्या थी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वन किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर एट एटमोस्पेरिक प्रेशर फिर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर पढ़ना हमें भी है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है हालांकि दोनों ट्रम एक जैसी साउंड करती हैं देखो वेपर होती हैं किसी भी लिक्विड जो वेपर्स होते हैं किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करते हो तब अगर वो गैस की फॉम में चला जाता तो उनको वेपर बोलते हैं लेकिन अगर कोई चीज पहले से गैसेस गैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर तो वो गैस क्या लाते हैं जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ये पहले से ही रूम टेम्परेचर पर कैसी कौन सी स्टेट में होती है आपकी गैसिस स्टेट में होती है तो इनको गैस बोलेंगे लेकिन जैसे पानी को अगर मैं गर्म करूंगा पानी से क्या बनेगी उसकी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर बनेगी तो उसको क्या कह आपकी वेपर सो दैट इज द डिफरेंस वेपर एंड गैस आर द सेम टर्म क्या है छोटा सा डिफरेंस है मेजर सा है, या सा डिफरेंस डिफरेंस है है माइनर जो भी है वेपर आर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड विच एग्जिस्ट एट द दिच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बट ऑन बॉइलिंग वाटर को किस में चला जाएगा आपका वो वेपर स्टेट में चला जाएगा ऐसे ही जैसे आयोडीन है सोलिड एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर उसको गर्म करोगे तो आयोडीन वेपर बन जाएंगे गैस का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी रूम टेम्परेचर फॉर्म में हो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम नाइट्रोजनियम आर्गन ये पहले से गैसेस स्टेट में होती हैं तो इनको वेपर नहीं बोलेंगे हम टेम्परेचर टेम्परेचर का मतलब क्या होता है टेम्परेचर का मतलब होता है ये मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी कूल है तो दैटरेचर की हेल्प से बता सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस हम जनरली यूज करते हैं पर हम केल्विन भी यूज करते हैं तो क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टू सेवनटी थ्री पॉइंट जो, जो पॉइंट फाइव उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केलविन माइनस टू सेवेंटी थ्री यानी कि अगर आपको लविन में टेम्परेचर दे रखा और आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो आप क्या करोगे जो टेम्परेचर केलविन में दे रखा है उसमें से टू सेवेंटी थ्री सब्ट्रेक्ट कर दोगे अगर उल्टा है मान लो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है अगर आपको Kelvin में निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में आप टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एड कर दोगे जैसे आइस का आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जीरो डिग्री सेल्सियस है तो अगर मुझे आंसर केलविन में बताना हो तो मैं क्या करूंगा जीरो डिग्री सेल्सियस को केलविन में कन्वर्ट करूंगा और वो कैसे होता है केलविन केल्विन ड कर दूंगा पॉइंट तो वाटर का होता है, कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो अगर मुझे रिपोर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एड करना होगा तो आंसर कितना थ्री सेवन टी थ्री नेक्स्ट हमारा ये आप कुछ करके देखना देता हूं टू नाइनटी एट केलविन में रखा और मुझे बताना है डिग्री सेल्सियस में तो जो भी टेम्परेचर केलविन में दे रखा है उसमें से टू सेवेंटी थ्री सब्जेक्ट कर दूंगा आंसर किस में आ जाएगा मेरा डिग्री सेल्सियस में ठीक है एक और रिलेशन होता है हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फार्नाइट अच्छा एक चीज रह गई देखो यहाँ पर ये जो डोट लगा रखी है सेल्सियस के ऊपर इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस केल्विन में ऐसा कुछ नहीं होता डिग्री केल्विन कभी नहीं होता केलविन सिंपल केल्विन होता है और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में डिग्री यूज करते हैं ऐसे डिग्री यूज करते हैं फार्नाइट में तो डिग्री फार्नाइट तो क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर इन फार्नाइट इज इक्वल टू नाइन बाइ फाइव ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस टू तो आप कन्वर्ट करके देखना आप आप करना डिग्री सेल्सियस को देखनाइट में कन्वर्ट करके देखना नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ तो प्रेशर देखो टेम्परेचर का इफेक्ट तीनों चीजों पर होता है सोलिड लिक्विड और गैसेस लेकिन इफेक्ट ऑफ तो प्रेशर जो होता है वो गैस पर सबसे ज्यादा होता है सोलिड और लिक्विड में इफेक्ट इफेक्टर प्रेशर का बहुत ही कम होता है ठीक है तो जैसे यहां पर शो कर रखा है ये गैस के पार्टिकल है दूर दूर है प्रेशर बहुत कम लगा हुआ है लेकिन जैसे ही ऊपर से मैं पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करता हूं प्रेशर ज्यादा बढ़ाता हूं तो पार्टिकल क्या हो जाते हैं बिल्कुल पास पास क्लोज क्लोज हो जाते हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो खत्म हो जाती है तो ये गैसेस पार्टिकल स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड क्यों क्योंकि एक तो मैं कूल कर रहा हूँ गैस को टेम्परेचर कम कर रहा हूं उसका और ऊपर से मैं उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और हाई प्रेशर की वजह से पार्टिकल पास पास आ जाते हैं एनर्जी लूज कर देते हैं तो ये पार्टिकल धीरे धीरे कंडेंस हो जाते हैं आपके लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लिक्विफिकेशन सो so, लिक्विफिकेशन क्या है इट इज द प्रोसेस इन विच ए गैस इज चेंज इन टू लिक्विड स्टेट बाई अपलाइंग द हाई प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर जैसे फॉर एक्जाम्पल आपके घरों में एलपीजी का सिलेंडर होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है तो उसमें गैस के सिलेंडर के अंदर आप हिलाकर देखना ऐसा लगेगा कोई लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन जब आप गैस का ऑन करते हो बटन का ऑन करते हो तो गैस निकलती है वहां से ऐसा क्यों है क्योंकि सिलेंडर के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर में मोलिक्वल पास पास हैं, पास पास होने की वजह से वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर लिक्विड की फॉर्म में लेकिन जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं प्रेशर क्या हो जाता है आपका नॉर्मल हो जाता है घट जाता है तो पार्टिकल दूर दूर हो जाता है वो गैस की फॉर्म में चली जाती है सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं ड्राई आइस जो होती है वो कौन होते हैं सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसको हीट करूंगा डायरेक्टली किसम चली जाएगी वो वो आपकी चली जाएगी स्टेट में तो क्या बोलते हैं उसको सबलीमेशन नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से क्वेश्चन आते हैं इवेपोरेशन से इवेपोरेशन क्या है वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ जैसे कुछ चीजें देखते हैं हम डेली लाइफ में क्लोथ्स आर ड्राइड अप अपन वी पुट वेट क्लोथ फॉर ड्राइंग एज वाटर फ्रॉम क्लोथ कोटमोस्फियर कहने का मतलब क्या है जब आप कपड़ों को सुखाते हो तो थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं तो वहां से वाटर वेपर क्या हो जाती हैं स्केप हो जाती हैं ठीक है थीके? वो वाटर वेपर कहां से ले जाती हैं आपके एटमोसफियर में या रेन साइकिल देखा होगा आपने पढ़ा होगा सोशल साइंस में पढ़ा होगा या साइंस में भी पढ़ा है रेन साइकिल क्या होती है जो पानी होता है सीध से रिवर से पोन से लेक से तो वो इवेपोरेट होकर पहले कहां चला जाएगा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा बादल की फॉर्म में ले लेगा ले और फिर फिर से वो बारिश की फॉर्म में नीचे लिक्विड की फॉर्म में आएगा ठीक है या फिर वेट फ्लोर है गीला फ्लोर है ठीक है तो थोड़ी देर में गीला फ्लोर अपने आप क्या हो जाता है सूख जाता है तो ये सब प्रोसेस क्या है इन प्रोसेस में लिक्विड जो है धीरे धीरे वेपर्स में चेंज हो रहा है लेकिन एक बात नोट करने लायक ये है कि उस लिक्विड को हमने हीट नहीं किया है वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी बॉइल होके किस में चला जाएगा वेपर में लेकिन इवेपोरेशन ऐसा फिनोमिना है जो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से नीचे भी होता रहता है यानी कि अगर पानी को आप हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर गर्म ना करो तब भी कुछ लिक्विड आपका वेपर फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होता रहता है तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन क्या है इट इज द इन विच ए लिक्विड चेंजेस टू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट द लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर याद रहे एनी टेम्परेचर बिलो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऐसा क्यों होता है द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन दी फ्रॉम द सराउंडिंग यानी कि मान लो इसमें पानी भरा हुआ है तो यहां पर सर्फेस पर क्या होते हैं पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स थोड़ी बहुत हीट लेकर इनकी कैनेडिक अंदर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कैनेडिक मोशन बढ़ गई तो और एक टाइम ऐसा होता है कि ये इनकी कैनेडिक अंदर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दे ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेस इनके पार्टिकल फोर्सेस को ब्रेक कर देते हैं और जब ब्रेक कर देंगे तो ये ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे एटमोस्फेयर में चले जाएंगे इनके कहने का मतलब है इस सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल आपके कौन से स्टेट में चले गए वेपर स्टेट में सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑन गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हेंस मोशन क्या हो गई बढ़ गई द पार्टिकल एट द सरफेस गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ब्रेक अवे फ्रॉम द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस पार्टिकल्स होफ हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस एंड लिक्विड किसमें चला जाएगा आपका वेपर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर शो कर रखा है ये पार्टिकल है इनकी कैनेडिक एनर्जी बढ़ गई कैनेडिक एनर्जी बढ़ गई तो मोशन बढ़ गई मोशन बढ़ गई तो बहुत ही ज्यादा इनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से ये आपस में जो इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे उनको ब्रेक करके आपकी वेपर स्टेट में चले जाते हैं सो so, इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है सर्फिस फिनोमेना कहने का मतलब है सर्फिस फिनोमेना से क्या मतलब है कि केवल जो पार्टिकल सर्फिस पर प्रेजेंट हैं वही इवेपोरेट होकर वेपर स्टेट में जाएंगे अंदर वाले पार्टिकल बीच में जो पार्टिकल है नीचे जो पार्टिकल है वो इवेपोरेट नहीं होंगे उनकी बारी कब आएगी जब ऊपर वाले सभी पार्टिकल क्या हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएंगे जैसे आप गिले कपड़ों को एक तो आप ऐसे ही उनको बिना सुलझाएं बिना ही स्प्रेड किए डाल दो तो उनको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है एक आप अच्छे से स्प्रेड करके उनको अगर डालोगे तो क्या हो जाएंगे इजिली ऐसा क्यों है क्योंकि अगर आप कपड़ों को स्प्रेड करते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा से ज्यादा मोलिक्यूल्स आपके हीट एनर्जी लेते हैं ज्यादा ज्यादा कैनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा मोलिक्यूल हाई कैनेटिक एनर्जी के सर्फेस को छोड़कर किसमें चला जाएंगे एटमोसफेर प्रेशर पर ठीक है तो इसको पढ़ लोगे टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन होगी इसलिए तो सर्दियों में कपड़े कम सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े इजिली सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल से ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल अपने सरफेस को लीव कर जाएंगे नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर कुछ पानी की बूंदें ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होती है तो उस चीज को बोलते हैं ह्यूमिडिटी अगर देखो हमारी एयर जो होती है उसमें लिमिटेड अमाउंट में ही कैपेसिटी होती है टू होल्ड द वाटर वेपर कहने का मतलब है एक तय सीमा तक ही पानी की बूंदों को एयर अपने साथ रख सकती है अगर पानी की बूंदे यानी कि वैप वाटर वेपर्स एयर में ज्यादा होंगी तो एयर क्या हो जाएगी भारी हो जाएगी ठीक है तो अगर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या होगा बहुत ही कम होगा लेकिन ड्राई एयर है ड्राई एयर क्या कर सकती है ज्यादा से ज्यादा वाटर मोलिक्यूल को होल्ड कर सकती है तो रेट ऑफ इेशन ड्राई एयर में ज्यादा होती है इसलिए डेजर्ट कूलर आप कूलर यूज करते हो आप कूलर को एक तो आप बाहर यूज करो तब ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा एक आप रूम के अंदर अगर उसको बंद कर दोगे तब कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा ऐसा क्यों है क्योंकि रूम के अंदर अगर ने बंद कर दिया तो थोड़ी देर के बाद वाटर वेपर्स हैं एयर में प्रेजेंट होंगी फर्दर और ज्यादा से ज्यादा वाटर वेपर एयर में नहीं जा सकती क्योंकि ह्यूमिडिटी रूम की बहुत बढ़ गई है और बाहर क्या होता है जो ड्राई एयर है वो ह्यूमिड एयर को रिप्लेस करती रहती है ठीक है बारिश के टाइम पर मौसम बारिश के मौसम में कपड़े बहुत ही देर से सूखते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा प्रेजेंट होती है अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा प्रेजेंट है तो इवेप्रेशन कम होकर कपड़े नहीं सूखेंगे विंड स्पीड अगर हवा ज्यादा तेज चल रही है तो जो हवा चल रही है वो ह्यूमिड एयर को ड्राई एयर से रिप्लेस कर देगी इसलिए हमारी रेट ऑफ इवेपरेशन बढ़ जाएगी तो इसमें कहने का मतलब अगर कपड़ों को आप एक तो हवा चल रही हो तब ड्राई करने के लिए डालो तब इजीली ड्राई हो जाएंगे अदरवाइज एयर नहीं है वहां पर हवा नहीं चल रही है तो वहां पर जल्दी से कपड़े आपके सूखेंगे नहीं नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इवेपरेशन इफेक्ट और एप्लीकेशन यानी कि कहापरेशन जो है कहाँ कहाँ हमारे काम आती है सबसे बड़ी बात होती है काज कूलिंग जैसे आप गर्मियों में फरस पर पानी स्प्रिंकल करते हो गर्मियों में आप डेजर्ट कूलर यूज करते हो गर्मियों गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े यूज करते हो क्यों ऐसे क्यों है क्योंकि जैसे जब जब इवेपोरेशन होगी तब तब क्या होगी कूलिंग होगी ऐसा कैसे देखो हाउ लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस कीप ऑन इवेपरेटिंग अभी बताया था सरफेस वाले पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे आपके वेपर में चले जाएंगे द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग वैपरेशन अभी वैपरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट हुई थी उसके इक्वल अमाउंट की एनर्जी फिर से लिक्विड कहां से एब्जॉर्ब कर लेगा सराउंडिंग से अब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली गई है तो क्या होगा हमारा कूलिंग इफेक्ट होगा सो ड्यू टू ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग सराउंडिंग क्या हो जाएगी कोल्ड हो जाएगी आपकी तो ये इन सभी क्वेश्चन के आप आपको आंसर ढूंढने हैं व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे पहले ही बताया था इन ए हॉट ड्राई डे द एयर इज ड्राई दैट मींस इट कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन द ह्यूमिड एयर सो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे आपकी हीट एनर्जी लेकर इवेपरेट

और वो वाटर इज दैट वाटर इज एक्सपोर्ड टू द सराउंडिंग एंड इन सराउंडिंग क्या हो जाएगा फिर वो पार्टिकल्स जो हैं वाटर के जो हैं सराउंडिंग से हीट एनर्जी अब्जोर्ब कर लेंगे और क्या हो जाएंगे इवेपोरेट हो जाएंगे एंड एक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बाय द जो वाटर के पार्टिकल्स आपके ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो जाएगी ठीक है वाई आवर पाम फील कोल्ड वेन वी पुट सम समेसिटोन पेट्रोल इन इट जैसे आप अपने हाथ पर नील पॉलिश रिमोवर डालते हो या पेट्रोल डालते हो तो आपको क्या लगती है कूलिंग इफेक्ट लगता है क्यों क्योंकि पेट्रोल और एसीटोन या फिर नील पॉलिश रिमूवर जो होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है आपकी हाथ से हीट एनर्जी अब्जोर्व कर लेंगी व्हाई वी आर एबल टू सिप ए हॉट फ्रॉम फ्रॉम मिल्क फास्टर द रादर देन द दे कप आप कप में गर्म चाय पियोगे तो आपके आपका मुंह जल जाएगा लेकिन उसी उसी को आप एक बड़े से बर्तन में डाल के पियोगे ठीक है प्लेट में डाल लो तो ठंडी लगी क्योंकि सर्फेस एरिया बढ़ गया सर्फेस एरिया बढ़ गया तो वैपोरेशन ज्यादा बढ़ गई ज्यादा एनर्जी लॉस कर देता आपको गर्म नहीं लगती वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन द समर समर में कैसे क्लोथ पहनने चाहिए हमें कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन क्लोथ्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द स्वेट आपका पसीना एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस स्वेट को दे विल एक्सपोज टू द एयर एंड इन एयर एयरेशन टेक्स प्लेस वी फील कूल क्योंकि हमारी बॉडी से इक्विवेलेंट अमाउंट की हीट जो है हीट जो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी ठंडा ठंडा पानी डाल दिया तो बार की तरफ देखता हूं मैं यहाँ पर क्या हो जाती है, वाटर जाती है आई। क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें पानी के गिलास में वाटर वेप आइस डाली ये वाटर वेपर जो ऑलरेडी एटमोस्फेयर में प्रेजेंट थी वो गिलास के कॉन्टेक्ट में आई कूल हो गई और कूल होने से क्या होता है कंड कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रोपलेट क्या होगी बाहर पानी की तरफ दिखाई देगी तो थैंक यू हैव एन आई स्टे